आज जो है समरसता यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, और जो संत रविदास थे, जो महान विचारक थे, बच्चों में भी बहुत उत्साह है, उनके बारे में जानकारी बच्चों को दी गई और बच्चों ने बहुत अच्छा गायन प्रतियोगिता के भाषण भी दिए हैं, अंग्रेजी में भी दिए, हिंदी में भी दिए, और बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर बनाए हैं, सबको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मिला है। हमारा स्कूल जवाहर विद्या मंदिर जे बी हायर सेकेंडरी स्कूल है, और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कम से कम महान संत रविदास जी के बारे में सबको जानकारी मिली, और वाकई इन्होंने जो सिखाया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि हमारा मन साफ है तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना धार्मिक मंदिरों में है, ना कहीं स्नान करने की आवश्यकता है, ना पूजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हमारा मन साफ है तो हमारे कठौती के अंदर ही गंगा जी आ गए। और मानवता का काम है, वो इतने गरीब थे फिर भी वो एक जोड़ी जूता दान करते थे, हमेशा झोपड़ी में रहते थे, पारस पत्र उनको मिला एक साधु सन्यासी के द्वारा कि इनकी गरीबी दूर हो जाए, उनकी सेवा की थी। लेकिन जब साल भर बाद वो सन्यासी आए तो उनने कहा कि अरे तुम तो संत रविदास वैसे के वैसे ही हो, तो उनने कहा कि मैंने आपके पत्थर को नहीं छुआ, मैं जो काम करता हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ, और मेरे जो खुशहाली का राज है वो यही है, ईमानदारी मेहनत, इससे जो है समृद्धि मिलती है, सुख शांति मिलती है, और देश भी अच्छा चलता है, घर भी अच्छा चलता है, परिवार भी अच्छा चलता है। ऐसे संत महान रविदास को मैं सशक्त नमन करती हूँ, जिन्होंने पूरे वर्ग में, पूरे भारत में समरसता का संदेश दिया कि सब लोग एक हैं, सबका खून एक है, सबकी जाति एक है, ये बंटवारा नहीं होना चाहिए, मानव मानवता के काम में आना चाहिए और मानवतावादी होना चाहिए, ये उनका सबसे बड़ा संदेश था जिसको हम सभी मानते हैं। और आज यहाँ पर बड़ी भव्य यात्रा निकाली गई है, और मैं उनको अपने साला की तरफ से, सारे परिवार की तरफ से, और सभी लोगों की तरफ से सत सत नमन करता हूँ।